हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है सूर्यकांत टेक्निकल गुरु हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हमारे पास ये हुंडा कंपनी की ड्यू गाड़ी है। उस गाड़ी में देखो, ये मीटर का लाइट नहीं लग रहा है, दिख रहा है अभी लाइट? देखो ये मीटर में लाइट चालू है बट यहाँ पे लाइट नहीं लग रहा है। अभी ये दिन होने के कारण यहाँ पे थोड़ा सा दिखाने में समस्या जा रही है। तो ये लाइट किस तरह से हमें चेंज करना है वो हम आपको अच्छी वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, तो फ्रेंड्स अभी तो उसके लिए हमें 1, 2, 3, 4 यहाँ पे एक स्क्रू होता है, A1 और A2 यानी 6 ऐसी टोटल स्क्रू हमें ओपन करना है। उसके बाद में जो हेडलाइट का जो मास्क रहता है, ये मास्क होता है, हम निकाल सकते हैं बाहर। तो फटाफट से इसे ओपन कर देते हैं, आगे वीडियो कंटिन्यू करेंगे। फ्रेंड, हमने निकाल दिए इसके स्क्रू। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा हैंग है ही, तो अभी इसे कवर निकाल देते हैं। अगर गाड़ी में मिरर होगा तो आपको मिरर निकालना पड़ता है। एक लेफ्ट साइड से ओपन होता है और एक राइट साइड में ओपन होता है। तो ये भी हुक निकाल लेते हैं, जो बोल्ट है ये निकाल लेते हैं कवर निकालने के लिए। ये कपड़ा निकाल लेते यहाँ से। आपको अगर इसके ब्रेक केबल डालना है, जो केबल होती है ब्रेक लाइट केबल, ये ब्रेक वायर डालना होगा, तो इसलिए अपने को हमको ये ओपन करना पड़ता है जो मास्क है वो। तो यहाँ पे लाइट होता है एक मीटर में, देखो अंदर का जो है लाइट। यह होता है एक, देखो एक लाइट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसी तरीके का लाइट होता है जो इंडिकेटर का है ये, अभी यहाँ का लाइट। तो फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये जो दिख रहा है इंडिकेटर का बल्ब होता है इसके अंदर, और इसके अंदर होता है ये पेट्रोल मीटर वाला, ये भी इंडिकेटर वाला है, और इस साइड वाला जो स्पीडोमीटर वाला है, यहाँ पे दिख रहे हो आप, इस तरह से होता है। ओके, इंडिकेटर वाला, तो ये इस तरह से बल्ब यहाँ पे फिट होते हैं। तो अभी यहाँ पे हमें फ्यूल मीटर वाला निकालना है। देखो यहाँ पे आपको ब्लैक काला हो गया, ये दिख रहा है, ये बल्ब हो गया काला, यानी ये फ्यूज हो चुका है। इसकी जगह हम नया वाला बल्ब लगाने वाले हैं, जो कि मार्केट में 5 रुपये में मार्केट में आराम से अवेलेबल हो जाता है। तो ये बल्ब हम डायरेक्टली यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे यहाँ पे, और हम चाबी भी ऑन कर दें। देखो लाइट लो हो गया है, अभी हम इसे निकाल के पुराना वाला आपको दिखा देते हैं। तो देखो यहाँ पे अंदर चला गया है। ओके, निकल गया बाहर, अभी इसको लगा देते पुराना वाला। तो देखो ऑन किए, ये बंद दिखा रहा है। तो इस तरह से आप भी गाड़ी में अगर लाइट बंद होता है तो ये चेंज कर सकते हो इस तरह से। तो देखो लगाते हम डायरेक्ट अभी, और जिस तरह से हमने इसको निकाले उस तरह से फिट कर दिया। ठीक है, देखो फ्रेंड्स लाइट चालू हो गया। तो फ्रेंड, इस तरह से जो हम है गाड़ी का जो मीटर में लाइट नहीं आने का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ओके, हम जब रात में गाड़ी चलाते हैं हमको यहाँ पे दिखता नहीं है लाइट चालू है नहीं है, मीटर शो नहीं होता कितना हमारे इसमें पेट्रोल है, तो हमारे गाड़ी में कितना पेट्रोल है, तो हमें रात के समय में शो नहीं होता है, हमें दिखाई नहीं पड़ता है। इस वजह से हमें ये चेंज करवाना पड़ता है, या इंडिकेटर बल्ब भी हमें चेंज करना है, तो इसी प्रोसेस से हमें इंडिकेटर बल्ब भी चेंज कर सकते हैं।
आगे वाला पोर्शन निकल के यहाँ पे आपको जो दिखा है हमने, जो एंडिंग में जो केबल दिख रहा होगा, बल्ब दिख रहे होंगे, इंडिकेटर के है, और ये स्पीडोमीटर वाला है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये स्पीडोमीटर वाला है और ये पेट्रोल मीटर वाला। ओके तो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस तरह से हम ऑटोमोबाइल से रिलेटेड छोटे मोटे वीडियो अपलोड करते रहते हैं हमारे चैनल पर।